वहीं पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के गांव परेवा वैश्य में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिसमें बड़ी मात्रा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत में आग इतनी भीषण लगी कि गांव के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर ना आने पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की खुद कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि ग्रामीण आग पर काबू नहीं पा सके और किसानों की खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इसके बाद प्रशासन के प्रति ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर अमरिया उप जिलाधिकारी सीओ कोतवाल पहुंचे, जिनसे ग्रामीणों की कहा सुनी भी हो गई। तो पीलीभीत की यह घटना है जहां पर हजारों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों में प्रशासन के लिए आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो मौके पर फायर ब्रिगेड सही समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते गेहूं की बड़ी फसल जलकर राख हो गई। तो ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की, लेकिन ग्रामीण आग पर काबू नहीं पा सके और एक बड़े एकड़ में फैली हुई गेहूं की ये खड़ी फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से भी देखने को मिली है और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी साहिल, जैसा कि आपको जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जब से गर्मी की सीजन शुरू हुई है और गेहूं की फसल पककर तैयार हुई है, तब से पीलीभीत जिले में कई जगह जो है आग फसल में लगती हुई देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। और ये अमरिया क्षेत्र में जो है आग लगी हुई है, इसमें जो है सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जो है जल के नष्ट हो गई। जब ग्रामीणों द्वारा जो है संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, तब वो काफी देर बाद मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद में ग्रामीणों के अंदर इतना आक्रोश होता है, क्योंकि 6 महीने तक जो इंसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है और उसके सामने ही उसकी फसल जो है धू धू करके जब जलती है तो कहीं ना कहीं उसे पीड़ा होती है और उसे आने वाला जो संकट है वो भी दिखने लगता है। जी साहिब, चलिए संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।